राम राम भाई और बहनों, नमस्कार। तो भाइयों, मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो ये चैनल है रवि गिरी बाबा का सच, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे वीडियो ढूंढने नहीं पड़ेंगे और तुरंत आपके पास में सूचना मिल जाएगी। अगर आपने घंटी के निशान को दबा दिया तो घंटी के निशान को दबाना जरूरी है, इससे आपको मेरे वीडियो तुरंत मिल जाएंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आज मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं, जिसमें क्या है कि आज बहुत से लोगों की आंखें खराब हो गई है। आजकल ये जो मोबाइल चल रहा है ना, आप जिसको चार चार छह छह घंटे दस दस घंटे तक मोबाइल देखते रहते हैं, ये अभी पता नहीं चलता, लेकिन इसमें एक पराबैंगनी किरण निकलती है नीले कलर की, जो आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालती है और धीरे धीरे हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। बहुत से बच्चों को कभी टाइम होता था कि उस टाइम में 40 पार करने के बाद में आंख पे किसी के चश्मा लगा करता था, और बूढ़े लोग बहुत से ऐसे थे जो बिना चश्मा अखबार पढ़ लिया करते थे। लेकिन आज देखिए, 3 साल 4 साल का बच्चा नहीं होता है कि उसके चश्मा लग जाता है, और हर 1-1.5 साल के बच्चे के हाथ में आप मोबाइल देख सकते हो। तो कच्ची आंखों के ऊपर जब मोबाइल की बुरी लाइट का असर पड़ेगा तो आंखों का भट्टा बिठा देगा। तो ऐसे में आपको बताता हूं कि जिनके चश्मा लग गया उसका चश्मा उतरा देगा, 100% कारगर है मेरा ये नुस्खा। आपको मैं दो चीजें बताऊंगा इसमें, आप कर लिया, अगर कुछ दिन कर लिया तो आपका चश्मा का नंबर कम हो जाएगा और आपकी नजरें बहुत तेज हो जाएगी। इसके साथ साथ में आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। आपका जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पढ़ाई में कुछ याद नहीं हो रहा है तो वो भी याद होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नुस्खा बता रहा हूं। आप अगर बड़ी उम्र के हैं और आपकी याददाश्त कमजोर है तो वो एकदम ठीक हो जाएगी, आपकी नजर तो होगी होगी। इसके साथ साथ में आपका दिमाग भी बहुत तेज हो जाएगा और चश्मा का नंबर भी नीचा आ जाएगा, और किसी के अगर 2 या 2.5-3 नंबर तक का चश्मा है तो उसका कुछ दिन बाद में चश्मा उतर जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं आपको क्या करना है कि गरी का तेल यानी खोपरे का तेल, नारियल का तेल आता है, आपको क्या करना है, 1 गुना नारियल का तेल लेना है, उसका दुगना गाय का घी लेना है। यानी जैसे 5 बूंद अगर आपने नारियल का तेल लिया तो 10 बूंद आपको गाय का घी लेना है। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके रात को सोते वक्त अपनी नाभि के अंदर 3-4 बूंद डाल लेना है और सीधा सो जाना है। घंटा 1.5 घंटा होगा कि आपकी नाभि उस तेल और घी को अंदर समाहित कर लेगी, और ये जो नाभि है इसको कम मत समझना, 72,864 नाड़ियों का गुच्छा इसी में होता है, और जो नाड़ी खराब हो जाती है ये घी तेल उसी नाड़ी में जाके उसको मरी हुई नाड़ी को, मृत नाड़ी को वापिस सजीवनी दे देता है। तो ये आपको कुछ दिन के लिए करना है, और इसके साथ साथ में मैं आपको खाने के लिए एक नुस्खा बता रहा हूं। ये खाने का नुस्खा आप करेंगे तो आपका दिमाग तो तेज होगा ही होगा, आपकी आंखों का चश्मा उतर जाएगा, दिमाग के साथ साथ में आपकी निगाहें बहुत तेज हो जाएगी, गिद्ध जैसी आपकी निगाहें तेज हो जाएगी। बहुत से लोग मेरे वीडियो आजमाते नहीं है, उनको यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो कह देते हैं बाबा गप मत मारो। अरे गप नहीं है भैया, आयुर्वेद में बहुत शक्ति है। कई कमेंट करते हैं बाबा झूठ बोलना छोड़ दे। अरे झूठ बोलने से मेरे को क्या मिलेगा भाई, मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूं, एक भलाई का काम कर रहा हूं। तो आपको मैं नुस्खा बता रहा हूं, ठीक है, उनको मत करने दो,
वो जैसा चाहते हैं वैसा उनको करने दो, लेकिन जिनको मुझ पर विश्वास है या आयुर्वेद पर विश्वास है वो इस नुस्खे को जरूर करके देखें, उनको 100% कामयाबी मिलेगी। तो आपको बता रहा हूं कि आपको 50 ग्राम बादाम ले लेना है। बादाम कोई सा भी हो, बहुत सी वैरायटी आती है, लेकिन आपको बढ़िया बादाम 50 ग्राम बादाम ले लेना है और 50 ग्राम ही आपको सौंफ लेनी है। और काली मिर्च, ब्लैक पेपर जो आती है काली मिर्च, इसी के ठीक इसी प्रकार की सफेद मिर्च भी आती है, वो भी काली मिर्च जैसी होती है, लेकिन काली रंग का फर्क होता है। वो काली मिर्च काले कलर की होती है, सफेद मिर्च सफेद कलर की होती है। तो 20 ग्राम आपको सफेद मिर्च ले लेनी है। बादाम आपके दिमाग को तेज करेगा, आंखों की रोशनी तेज करेगा, ऐसे ही सौंफ जो है वो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाएगी। और आपके अगर गैस बन रही है, हाजमा सही नहीं है, तो इसको ठीक करेगी। और काली मिर्च की तरह, काली मिर्च से भी 20 गुना ज्यादा सफेद मिर्च आंखों के लिए काम करती है। पुराने लोग जब भी कोई लड्डू बनाया करते थे तो काली मिर्च की जगह सफेद मिर्च डाला करते थे, और आंखों के चश्मा ना लगे इसलिए वो लोग सफेद मिर्च किसी न किसी लड्डू के अंदर जरूर डाल के वो खाया करते थे। आज भी खा रहे हैं और उनकी आंखों पे चश्मा नहीं है। तो आपको सफेद मिर्च 25 ग्राम ले लेनी है और इन तीनों का पाउडर बना लेना है, बिल्कुल बारीक पीस कर इनका पाउडर बना लेना है। और उसके बाद में 100 ग्राम मिश्री लेकर, धागे वाली मिश्री 100 ग्राम लेकर, और वो भी पाउडर बनाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करके और एयर टाइट डिब्बे के अंदर बंद कर लेना, और इसको आप पानी के साथ में या दूध के साथ में सुबह शाम एक एक चम्मच सुबह शाम इसको लेना, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को आप इसको लेना। और आप खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, ये कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो दूध के साथ में लेना चाहे वो दूध के साथ में ले लें, और पानी के साथ में लें तो फ्रिज वाला पानी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी के साथ में वो ले सकते हैं। तो आप लीजिए इसको, जल्दी तुरंत आपसे फिर मिल रहा हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।